देखे कमाल की बात यह, बंदे को थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए, बंदे को थोड़े से शर्म आनी चाहिए, कोई हया आ जानी चाहिए। सारे बंदे, हर बंदा एक ही बात कर रहा है तो इसका मतलब है सारे तो गलत नहीं हो सकते। बाबर आजम फेल्स टू जस्टिफाई, उनसे पूछा गया कितनी इंपॉर्टेंट है, जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है। देखे बाबर आजम को एक बात समझनी पड़ेगी, और काफी लोग जो ये बात कर रहे हैं, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारा उसका लुब्बे लुबाब या क्रक्स आप बोले तो वो यही था कि जनाब आप स्लो खेलते हैं, जो मैसेज करते हैं वहां इंडिया में क्या राहुल के हवाले से। हालांकि वो एंड पे उसके पास सलाहियत है कि वो गेंदों का और वो रन्स का जो है वो गैप जो है जो अगर साथ साथ है तो बाद में बढ़ा भी सकता है। इज डूइंग वेल, जैसे उमेश यादव है, जैसे सिराज है, शामी है, ईशांत शर्मा था, ये इधर चले जाए। की किस्मत में लिखा था वो पहला पाकिस्तान का कप्तान बनना कि जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया। के डबल हेडर्स, मजा आएगा डबल हेडर ऐसे। एक तरफ आप पहले खेलेंगे हमसे आधा घंटा, आप 7 बजे पाकिस्तानी, 7:30 इंडियन। जय हिंद। पूछा गया आप बहुत स्लो खेलते हैं, क्या कहा होगा बाबर आजम ने, यहाँ देखेंगे और उस पर कैसा रिएक्शन है वो भी देखेंगे। इसके साथ ही इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं रोहित शर्मा, 2 छक्के और मार्टिन गप्टिल का रिकॉर्ड ढेर, नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। तो आज बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान इंग्लैंड भी है, और बाबर आजम से जो सवाल हुआ, जवाब में बाबर आजम ने कहा कि बस वे कोशिशें करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद नीचे से अगर रन नहीं आए, लेकिन वो इतना स्लो खेलते हैं कि मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के लिए गेंदे ही नहीं छोड़ते। तो भाई ऐसी सिचुएशन में तो प्रेशर आना ही आना है। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान इंग्लैंड और बाबर आजम के बयान पर। डायरेक्ट पूछा गया कि जनाब आकिब जावेद तो कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप आउट ही ना हो, आप खेलते ही जाएं, और भी काफी सवालात के डॉट बॉल्स की परसेंटेज काफी ज्यादा है, ऊपर से दोनों ओपनर जरा हल्का खेलते हैं, तो काफी अच्छा सीधा डायरेक्ट और तिरछे सवाल, तो सवाल ऐसे ही होने चाहिए, अच्छे सवाल पूछे सीधा डायरेक्ट। और बहरहाल उन्होंने क्या क्या जवाब दिए तो उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। आकिब जावेद के हवाले से दोनों ने बोला कि फॉर्म ऊपर नीचे हो जाती है, और जो भी क्रिकेटर जितने भी खेले हैं क्रिकेट का खेल, तो उनके करियर में ऐसा होता है, कभी ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हो ही जाती है, लेकिन इस तरह पर्सनल जो है अगर वो चाहते हैं कि मुझे आउट ना करें तो फिर ना ही आउट करें, और बाकी पर्सनल किसी पे इस तरह नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की बात करें, लीग की जो बात है वो साइड पे रखें, पाकिस्तान की बात करें, और पाकिस्तान ने जनाब अपनी जो किट है वो रिवील कर दिया है ना, वह ऐसा डिफरेंट लग रहा है, ये शेड थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा हरा हरा सा टच है, वो जो सर्कुलेट पिक्चर कर रही थी तो उसमें येलो येलो ज़्यादा था, लेकिन चलो अब देखते हैं पहन के, कुछ ऐसा होता है कि देखने में कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, जब बंदा पहनता है तो ज़्यादा थोड़ी बेहतर लगती है। सारी वर्ल्ड कप वाली है ये, अब ये मैंने कम्युनिटी पेज में डाली है तो ये आप देख लें। देखिए कमाल की बात यह, बंदे को थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए, बंदे को थोड़े से शर्म आनी चाहिए, कोई हया आ जानी चाहिए। सारे बंदे, हर बंदा एक ही बात कर रहा है तो इसका मतलब है सारे तो गलत नहीं हो सकते। सारे बंदे भी गलत हो सकते, सारे कह रहे हैं बाबर आजम साहब आपके स्ट्राइक रेट का मसला है, आपको किंग्स में हर्षल गिप ने कहा, मैंने उन्हें कहा था थोड़ा अपने स्ट्राइक रेट पे काम करो, पाकिस्तान स्ट्राइक रेट में, पावर प्ले में स्ट्राइक, ये सबका सवाल यही था। बाबर आजम फेल्स टू जस्टिफाई, उनसे पूछा गया कितनी इंपॉर्टेंट है, जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है। 17 साल बाद आए हम नए स्टाइल की क्रिकेट, कौन से स्टाइल की क्रिकेट, ये तो हम सुन सुन के हमारे कान पक गए, सबको पता है। देखो झूठ बोलना, पर्दा डाल लेना, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान की टीम पे झूठ और पर्दा डाल ही नहीं सकता। देखे बाबर आजम को एक बात समझनी पड़ेगी, और काफी लोग जो ये बात कर रहे हैं, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारा उसका लुब्बे लुबाब या क्रक्स आप बोले तो वो यही था कि जनाब आप स्लो खेलते हैं, चाहे एक सवाल इधर से मुड़ के करें, किसी पे पूछे जी हर्षल गिप ये कह रहा है, आकिब जावेद ये कह रहा है, वो कह रहा है, अगर आप पर्सनल ग्लोरी पे जा रहे हैं, पर्सनल रिकॉर्ड्स पे जा रहे हैं, तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द टीम एंड द कंट्री। देखो बात ठीक है, पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं या कहीं ना कहीं माइंड में है कि नीचे वाले नहीं खेल पाएंगे, तो ये चीजें उसको निकालनी चाहिए ज़हन से। सब ना खेलें, वो ना नीचे खेल, वाले नहीं खेलते, बाहर में जाएं, आप अपना देखें। देखो ये तब टेस्ट होगा जब आप उनको उतनी गेंदे देंगे कि जहां से वो दिखा सकेंगे वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऊपर से 80 गेंदे खेल के 120 के स्ट्राइक रेट से जाओगे तो हमेशा वो अंडर प्रेशर ही खेलने के लिए आएंगे।
तो ये चीज काफी लोग जो मैसेज करते हैं वहां इंडिया में क्या राहुल के हवाले से, हालांकि वो एंड पे उसके पास सलाहियत है कि वो गेंदों का और वो रन का जो है वो गैप जो है जो अगर साथ साथ है तो बाद में बढ़ा भी सकता है वो, लेकिन यही चीज इसको भी सीखनी चाहिए कि बिल्कुल च्युइंगम की तरह चिपक नहीं जाना आपने, आप अच्छा खेलें, तेज खेलें और बाकी आगे आएंगे जो आगे वाले बैट्समैन संभाल लेंगे, बैटिंग आपकी वो अंडर प्रेशर तब काम आ जाता है जब आपको हर ओवर में 18 रन या 15 रन या 16 रन चाहिए, हर बंदा ही छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाता है। बॉल में वाइड बॉल का खतरा होता है, नो बॉल का खतरा ज्यादा होता है, लाइन और लेंथ पे नहीं करेगा तो मार खाएगा, टेस्ट में उसके पास लिबर्टी होती है, टेस्ट में अनलिमिटेड ओवर्स होते हैं, 4 ओवर और 10 ओवर होते हैं व्हाइट बॉल में, उसका एक अपना प्रेशर होता है, जो रेड बॉल स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे एंडरसन है, स्पेशली ब्रॉड है, जैसे ये अपना कमिंस और स्टार्क को भी आप उसमें ला सकते हैं, बुमराह इज डूइंग वेल, जैसे उमेश यादव है, जैसे सिराज है, शामी है, ईशांत शर्मा था, ये इधर चले जाए रबादा वगैरह डाल लें इधर से, तो टेस्ट की अपनी एक डिफरेंट वो है, व्हाइट बॉल क्रिकेट की अपनी एक डिफरेंट अप्रोच है। ग्रेट सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल रिकॉर्ड इन फ्यूचर और आइदर हिज रिकॉर्ड्स नेवर बी ब्रोकन, योर व्यूज इज, देखिए फ्यूचर का तो पता नहीं, एट प्रेजेंट बहुत ही नामुमकिन है रिकॉर्ड टूटे, की जो बात ठीक है वो बात तो हो गई, ये बहुत अच्छी बात है जनाब, उसी की किस्मत में लिखा था वो पहला पाकिस्तान का कप्तान बनना कि जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया, ठीक है वो पास्ट है, हो गया, ठीक है हमने पूरा मैच ही अच्छा था, हम थोड़ा लकी भी रहे, टॉस भी जीता, उन दिनों ड्यू भी थी और करते कराते एवरीथिंग वेंट वेल इन दैट पर्टिकुलर मैच। अमर सिंह जी टू एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट जी, गॉड ब्लेस यू, आमीन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाकी अभी इस एशिया कप में भी एक मैच हम हारे एक जीते, चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अब जिस तरह हम हारे बाकी मैचेस तो फिर हम सिर्फ उसी दो मैचेस पे खुश होते रहे, वर्ल्ड कप में एक मैच हरा दिया था, एक मैच हम हार गए, एशिया कप में एक जीत गए, तो बाकी टीमों को भी तो हराना है, उनसे भी तो खेलना है, फाइनल में आप टॉस जीतने के बाद भी 58 पे 5 आउट करने के बाद भी आप 170 करवा दें और आपकी जो बैटिंग की इंटेंट है वो आपकी बिल्कुल इतनी है कि हर बंदा ही आपको कह रहा है कि यार ये टेस्ट मैच था, ये वनडे था, या T20 था, ये क्या था। बाकी जनाब गौतम गंभीर साहब ने तो बड़ा एक नया ही पंडोरा बॉक्स खोल दिया, वो सुबह बात करेंगे उस पर, बोथ द मैचेस इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और दोनों पे फिर हम अपनी जो प्लेइंग 11 है वो भी समझ बूझ के मुताबिक बनाएंगे। तो फिर इजाजत ले मोहसिन भाई, के डबल हेडर्स मजा आएगा, डबल हेडर ऐसे, एक तरफ आप पहले खेलेंगे हमसे आधा घंटा, आप 7 बजे पाकिस्तानी, 7:30 इंडियन, हम 7:30 पाकिस्तानी, 8 बजे इंडियन एक्शन में होंगे, असल कोरे हमारे पास, शरारती कोरे आपके पास, आप उधर तमाशा कीजिए इधर हम करते हैं। जी हाँ, बहुत ही गजब का एक्शन देखने को मिलेगा, रोहित शर्मा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, विराट कोहली फॉर्म में है, तो बहुत बहुत मजा आने वाला है, और पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल इन लोगों के लिए तो बहुत ही खास है क्योंकि ये सभी वहाँ पहुँचे होंगे चंडीगढ़, तो हमारे रेजिन के लिए तो और भी स्पेशल मुकाबला है आज। आपको कैसी उम्मीदें हैं जरूर बताइएगा, यहाँ हुई बातचीत पर अपनी राय रखिएगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली से स्पेशली कितना स्कोर देखते हैं कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत, जय हिंद।